नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि BCCI ने किसे भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी, अब भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने हैं। इसके पहले BCCI ने भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान की घोषणा कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। शनिवार को BCCI के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने टीम की घोषणा की। इस दौरान रोहित शर्मा को भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान घोषित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य चयनकर्ता ने रोहित शर्मा को टीम का नया कप्तान घोषित किया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान होंगे और वो टेस्ट में भारत के 35वें कप्तान होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली और ऋषभ पंत को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच और श्रीलंका के खिलाफ पूरी T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। शार्दुल ठाकुर को श्रीलंका के खिलाफ T20 और टेस्ट दोनों के लिए आराम दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंकाई टीम 3 T20 और 2 टेस्ट मैच के भारत में दौरा करेगी। आपको बता दें कि पहला T20 मुकाबला 24 फरवरी को खेला जाएगा।